नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया कॉलोनी में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर केवड़िया में उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही। प्रधानमंत्री मोदी के आने की सूचना मिलते ही प्रशासन की रातों की नींद गायब हो गई है। प्रशासन सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन तंत्र सरकार के सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग भी कर रहा है। दरअसल पिछले साल रोड का निर्माण कार्य किया गया था जो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, तो प्रशासन वाहवाही लेने के लिए काम में मशगूल है। लेकिन आप हमारे संवाददाता गौतम व्यास की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें प्रशासन कितनी मुस्तैदी से सड़कों के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। केवड़िया की आम जनता को नेताओं का अभिवादन करना चाहिए जिनके दौरों के चलते ही उनके इलाकों में सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अगर नेताओं का दौरा उनके इलाकों में नहीं होता तो शायद प्रशासन की जो नीति उनके प्रति अपनाई जा रही थी उसी रीति के अनुसार उन्हें रहना पड़ता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि नेताओं के दौरों के दौरान ही सड़कों पर प्रशासन का अमला भाग दौड़ कर तैयारियां करता है? वहीं नेताओं की जिम्मेदारी भी है कि जिन वोटर्स की बदौलत वो जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आते हैं उनके विकास कार्य के लिए शुरुआत से ही काम करें। इंडिया खबर लाइव के लिए नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। केवड़िया कॉलोनी में आगामी 31 अक्टूबर 2019 को हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब आने वाले हैं, जिसकी तैयारी के भाग रूप में आप यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी में देख सकते हो वीडियो में। तो केवड़िया कॉलोनी में एक साल पहले भी रोड बनाया गया था, जो रास्ता बनाया गया था वो पहले ही बारिश में जो भूल गया है। हालांकि यहाँ पर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार विकास के काम के लिए लाखों रुपए की ग्रांट मंजूर करती है, लेकिन प्रशासन तंत्र द्वारा उसका सही तरह से उपयोग न होने के कारण आज यह दृश्य देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर जो रोड का काम कर रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो रोड है ये रोड भी पिछले साल भी बना था, और इस रोड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर पक्की बिछाई जाती है उस पर रोलर लगाया जाता है बराबर। यानी कि यहाँ पर एक शंका ऐसी भी होती है कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, और जो भी रास्ता और जो भी यहाँ पर जो भी काम के लिए हो रही है वो सीजन की पहली ही बारिश में रास्ता धो जाता है। सरकार विकास के लिए लाखों रुपये ला रही है तो प्रशासन तंत्र उसका दुरुपयोग क्यों कर रही है? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ योग्य कार्रवाई करेगी? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास।